हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्लांट किंगडम, जो कि क्लास 11th के लिए तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जनरली जो है मतलब 12th का जब बोर्ड होता है बच्चों का, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, तो उसमें जो है सो जनरली 12th का ही सारा टॉपिक्स जो है सो लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए खैर बोर्ड के बच्चों के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 11th का तीसरा चैप्टर है प्लांट किंगडम। ठीक है, जिस तरह से हम पूरी दुनिया में जो है सो मतलब दो तरह के जो है सो मतलब लिविंग थिंग पाए जाते हैं, जैसे मान के चलो एक एनिमल पाया जाता है जिसको हम एनिमल किंगडम में सारा डील करते हैं कि एनिमल का जो है एवोल्यूशन कैसे हुआ, एनिमल का विकास कैसे हुआ, कैसे इस धरती पे एनिमल्स आया था। ठीक है, उसी तरह से हम इस प्लांट किंगडम में प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे करके इस अर्थ पे जो है मतलब प्लांट का एवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले किस तरह का जो है सो प्लांट आया, उसके बाद फिर किस तरह का प्लांट आया। तो सभी इतना जानते हैं कि जिस तरह से एनिमल्स का ओरिजिन, ठीक है, एनिमल्स का ओरिजिन वाटर में हुआ है यानी कि पानी में हुआ है, उसी तरह से प्लांट का भी ओरिजिन पानी में ही हुआ है। ठीक है, जिस तरह से एनिमल का ओरिजिन वाटर में हुआ है, ठीक है, उसी तरह से प्लांट का भी ओरिजिन कहाँ से हुआ है, पानी में हुआ है। ठीक है, और जनरली जो प्लांट है, प्लांट किंगडम में प्लांट को हम जनरली पांच कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो प्लांट किंगडम है उस प्लांट किंगडम को हम जनरली पांच हिस्से में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फाइव ग्रुप्स, फाइव ग्रुप्स। पहला है एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडो फाइट, चौथा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियो स्पर्म, और पांचवा है जिम्नोस्पर्म, जिम्नो स्पर्म। तो ये जनरली हमारा पांच कैटेगरी रहने वाला है, और बारी बारी से हम सभी की डिटेल डिस्कशन करेंगे, सभी के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अल्गी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा मुख्यतः क्लास रहने वाला है वो पूरा रहने वाला है किसके ऊपर में, अल्गी के ऊपर में। अल्गी का सबसे पहले हम लोग हैबिटेट पढ़ेंगे, हमारा पढ़ने का जो है सो मतलब जो तरीका रहेगा, सबसे पहले हम उसका क्या पढ़ेंगे, हैबिटेट पढ़ेंगे। ठीक है, हैबिटेट पढ़ने के बाद जो है सो हम उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम उसके न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। ठीक है, और न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद उसका हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम उसका हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे, इकोनॉमिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस। तो इस तरह से हमारा लेक्चर आज थोड़ा सा जो है सो मूव करने वाला है हमारा। ये इतना तो जानते हैं कि जो प्लांट किंगडम होते हैं, प्लांट किंगडम को जनरली पांच ग्रुप्स में बांटा जाता है। प्लांट किंगडम को जनरली जिस तरह से मान के चलो एनिमल किंगडम में हम लोगों ने पढ़ाया था, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ऐसे करते करते हमने 11-12 के बारे में पढ़ा था और डिटेल में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे कि इस अर्थ पे किस तरह से जो है मतलब प्लांट आया है, किस तरह से प्लांट आया है, और प्लांट का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, हम लोग जो है सो मतलब इस अर्थ पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स देखते हैं, बहुत तरह के जो है सो प्लांट्स देखते हैं। ठीक है, लेकिन हर प्लांट का क्या होता है, तो किसी का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, किसी का एनाटोमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, ऐसा क्यों होता है और उसकी इस तरह से जो है सो मतलब संरचना क्यों हुई है, हम इसी चीज के बारे में हम क्या करेंगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा लेक्चर इस तरह से मूव करने वाला है, सबसे पहले हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में।
और एल्गी के बारे में, एल्गी का हैबिटेट क्या होता है, एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर में हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखेंगे। उसके बाद वो न्यूट्रिशन किस तरह का है, मतलब उसके अंदर में पोषण किस तरह का होता है, वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, ठीक है। वो फूड किस तरीके से लेता है, ये या तो खुद बनाता है या फिर कहीं और से लेता है, हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि वो अपनी कंटिन्यूटी को इस अर्थ पे कैसे मेंटेन रखता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलो ये इतना चीज़ हम पढ़ लिए, तो अब हम ये भी समझेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि नहीं है, हमारे लिए इसका कितना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखता है, हम इसको बिजनेस पर्पज़ से कितना देखते हैं, अपने यूज के पर्पज़ से जो है मतलब कितना देखते हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अलगी का सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, तो हैबिटेट समझ लेते हैं। देखिए, हैबिटेट समझने के लिए हमने क्या बताया इससे पहले, हमने इससे पहले बताया है कि जनरली अलगी, ये प्लांट किंगडम का जो ओरिजिन हुआ है, ठीक है ना, प्लांट का जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, पानी में हुआ है। ये चीज़ें हमने पहले बता चुका है आपको। जो प्लांट है, प्लांट का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, प्लांट का ओरिजिन हुआ है पानी में। प्लांट का ओरिजिन कहाँ हुआ है, पानी में। अब जाहिर सी बात है कि अगर पानी है, ठीक है, जाहिर सी बात है अगर पानी में ओरिजिन हुआ, तो सबसे मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट कौन सा है, एल्गी है। सबसे मोस्ट प्रिमिटिव, जिस तरह से मान के चलो हमारे जो मतलब ह्यूमंस बना या फिर कोई एनिमल्स बना, तो सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पानी में इसका फॉर्मेशन हुआ, फिर बाद में आपस में मिलते जुलते चले गए, ठीक है, उसके बाद फिर पोरीफेरा बना, फिर आगे करके धीरे धीरे जो है मतलब बनता चला गया। उसी तरह से हमारा प्लांट किंगडम में भी क्या है, सबसे पहले एल्गी बना, एल्गी के बाद फिर ब्रायोफाइट्स बना, और एल्गी का जो है मतलब लगभग लगभग टोटल का टोटल जनरली पानी डिपेंडेंट है। एल्गी का जो लाइफ साइकिल है वो किस पे डिपेंडेंट है, पानी पे। बिना पानी के ये जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इसका जो ओरिजिन हुआ है पानी में ही हुआ है, ठीक है। अब हम जनरली पानी कितने तरह का होता है हम ये समझ लेते हैं। पानी जनरली तीन तरह का होता है। पहला समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ वाटर, पानी कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ वाटर। जो वाटर है यानी कि पानी है, ये पानी, अब बोलोगे सर पानी तो एक ही तरह का होता है, पानी का कैसे टाइप हो सकता है, तो पानी का भी टाइप हो सकता है, ठीक है। जैसे पहला है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर यानी कि साफ पानी जिसको हम लोग पीते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर जिसको हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं, ठीक है, यानी कि मीठा पानी। दूसरा है मरीन वाटर, मरीन वाटर जिसको हम पी नहीं सकते हैं, जिसको हम पी नहीं सकते हैं, ये समुद्र में पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। और जनरली समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है, और उस पानी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो मिनरल्स पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको पी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह का जो है मतलब पानी तो जनरली सब कोई सुना होगा, ठीक है, ये दो तरह का पानी हर कोई जो है सो मतलब जानता होगा, ठीक है। लेकिन अब हम एक तीसरा तरह का पानी जो है सो मतलब पढ़ने वाले हैं, वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो है ब्रैकिश वाटर। शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, स्पेलिंग कहीं पे मिस्टेक होगा तो अपना सुधार कर लेना, ब्रैकिश वाटर, ठीक है। तो अब ये कुछ नया टर्म लग रहा होगा, जो बच्चे जानते होंगे उसके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो टर्म है ये बहुत सारे बच्चों के लिए क्या लग रहा होगा, कि नया लग रहा होगा, ठीक है, ये सुनने में क्या लग रहा होगा, नया लग रहा होगा। सर फ्रेश वाटर हम जानते हैं, जो पानी हम पीते हैं उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, मीठा जल जो नदी में, तालाब में, कुआं में, यानी कि चापाकल के माध्यम से हम लोग खींचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर कहते हैं। अगला है मरीन वाटर। मरीन वाटर मतलब समुद्री पानी, मरीन का मतलब क्या होता है, समुद्र। समुद्री पानी तो हम पी नहीं सकते, ये पानी क्या होता है, खारा होता है, समझ में आ गया। अगला ब्रैकिश वाटर क्या होता है, क्या होता है ब्रैकिश वाटर, क्या होता है। तो जहां पे फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, जहां पे फ्रेश वाटर और मरीन वाटर आपस में मिलते हैं, तो उस पानी को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, यानी कि समुद्र का पानी और फ्रेश पानी आपस में जहां पे मिल जाएगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रैकिश वाटर। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया,
ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से समझाते हैं, ध्यान दो। देखो होता है, सभी जानते हैं, सभी बच्चे ये चीज़ जानते हैं कि जनरली जो क्या बोलते हैं, हिमालय से जो मतलब बर्फ़ पिघलती है वो नदी के माध्यम से जो है सो कहाँ पे चली जाती है, समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तो नदी में कैसा पानी रहता है, नदी में साफ पानी रहता है, यानी कि फ्रेश वाटर रहता है, मीठा जल रहता है। और वही नदी का पानी जो है सो मतलब जा कर के कहाँ पर मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है। ये क्या है, रिवर है। क्या है, रिवर है, रिवर का मतलब नदी। ये नदी का पानी जो है सो मतलब जा करके कहाँ पे मिल जाता है, इसमें। अब ये जो नदी का पानी है ये क्या है, फ्रेश वाटर है। क्या है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, और इसके अंदर में समुद्र में कौन सा वाटर है, मरीन वाटर है। इसके अंदर में कौन सा वाटर है, मरीन वाटर है। ठीक है, तो जब फ्रेश वाटर और मरीन वाटर अगर आपस में मिलता रहेगा तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रैकिश वाटर कहते हैं। ब्रैकिश वाटर में मरीन वाटर भी आएगा और फ्रेश वाटर भी आएगा, यानी कि हम फ्रेश वाटर और मरीन वाटर को आपस में अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रैकिश वाटर बन जाएगा। कोई समझने में लोचा नहीं है, नहीं है ना है? मान के चलो नदी का पानी जहाँ पे समुद्र में मिलेगा, यानी कि फ्रेश वाटर और मरीन वाटर आपस में जहाँ पे मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, ब्रैकिश वाटर। एक लाइन लिख लो, फ्रेश वाटर इज मिक्स्ड विथ मरीन वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या है, फ्रेश वाटर इज मिक्स्ड विथ मरीन वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों को आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकिश वाटर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। ठीक है, अब हम जनरली अब ये चीज़ हम समझ गए तो अब हम सीधा लिख देंगे एल्गी के हैबिटेट के बारे में कि ये फ्रेश वाटर है, मरीन वाटर है, ब्रैकिश वाटर है। इसमें कोई माथापेची नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है ना, ये दो टर्म है, दो तीन टर्म है जो बच्चे को जो है, देखो होता क्या है, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है पूरा टर्म पे है। अगर उसे टर्म पता चल गया कि इस टर्म का मतलब क्या होता है तो उसके लिए ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा क्या है, ईजी है। उसे न रटने की ज़रूरत है, न याद करने की ज़रूरत है। समझ में आया, क्योंकि अगर उसे टर्म समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर वो खुद से खुद क्वेश्चन को रिफॉर्म करेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, किसी को कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा अपने जो है मतलब टॉपिक से भटक करके एक थोड़ा सा जो है मतलब वाटर के ऊपर में क्या था, डिस्कशन था। ठीक है, कि पानी जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, मरीन वाटर भी होते हैं और ब्रैकिश वाटर भी होते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? अब देखो, जो जो मछली तुमने देखा होगा कि मछलियाँ कहाँ पर पाई जाती है, पानी में पाई जाती है, तो जो मछली फ्रेश वाटर में पाया जाएगा उसे हम फ्रेश वाटर फिश कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जो मछली समुद्र में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मरीन वाटर फिश कहते हैं। समझ में आया ना, जो मछली फ्रेश वाटर में पाया जाता है, नदी में पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है, पोखर में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर कहते हैं। और जो मछली समुद्र में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मरीन वाटर फिश कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट हो गया, मिटा दें। चलो, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्गी के हैबिटेट के बारे में। ठीक है, हैबिटेट क्या होता है? ठीक है, हैबिटेट का मतलब होता है आवास। हैबिटेट का मतलब होता है आवास। ठीक है, एल्गी हमारा क्या है, टॉपिक है। ठीक है, और सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके हैबिटेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके हम हैबिटेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जनरली जो एल्गी होता है वो मेनली क्या होता है, एक्वेटिक होता है। ठीक है, इसका हैबिटेट कैसा है, क्योंकि ये पानी में रहता है, कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है। और अगर ये पानी में रहता है तो इसका हैबिटेट कैसा होगा, एक्वेटिक होगा। तो इसका हैबिटेट में लिखेंगे मेनली क्या होगा, एक्वेटिक होगा। मेनली एक्वेटिक होगा, ये मेनली क्या होगा, एक्वेटिक होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो, अब एक्वेटिक में भी क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। ठीक है, और एक और बताया था हमने, ब्रैकिश वाटर।
ब्रैकिस वाटर, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और ब्रैकिस वाटर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जो फ्रेश वाटर होता है वो जनरली जो है सो क्या होता है, दो तरह का होता है, एक तो होता है फ्लोइंग वाटर और एक होता है स्टैगमेंट वाटर, ठीक है। जो फ्रेश वाटर होता है ये भी कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक होता है फ्लोइंग, फ्लोइंग का मतलब बहता हुआ पानी, फ्लोइंग, ठीक है, फ्लोइंग, और एक होता है स्टैगमेंट, स्टैगमेंट, स्टैगनेंट बोलते हैं या स्टैगमेंट बोलते हैं, स्टैगनेंट जो भी हो, स्टैगमेंट स्टैगनेंट लिख लेना अपने हिसाब से, इसका मतलब होता है ठहरा हुआ पानी, ठीक है ना। तो पानी फ्रेश वाटर भी दो तरह का होता है, एक होता है फ्लोइंग यानी कि बहता हुआ पानी, जैसे नदी में पानी क्या होता है, हमेशा बहता रहता है, ठीक है, और स्टैगनेंट वाटर क्या होता है, जो रुका हुआ पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैगनेंट वाटर कहते हैं, ठीक है। तो हैबिटेट समझ में आ गया, ये मेनली क्या है, एक्वेटिक है, मेनली क्या है, एक्वेटिक है, ठीक है, यानी कि ये क्या पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो है सब मतलब कुछ कुछ क्या है, अनयूजुअल हैबिटेट भी है, ठीक है ना। अनयूजुअल हैबिटेट का मतलब ये होता है, एक तो होता है कि नॉर्मल हैबिटेट ये पाया ही जाएगा, अब मान के चलो कोई भी आदमी है, ठीक है, अगर उसको पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं तो बोलेगा कि हम जाहिर सी बात हम अपने घर में रहते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तो वो इंसान कभी तुमको बगीचे में भी भटकता हुआ दिख जाएगा, कभी रोड पे चलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये उसका क्या हुआ, अनयूजुअल हो गया, क्या हो गया, अनयूजुअल, यानी कि मेनली जो है सब मतलब एक्वेटिक ही होता है, एल्गी जो होता है वो मेनली क्या होता है, एक्वेटिक ही होता है, लेकिन कुछ कुछ एल्गी क्या होता है, तो कहीं कहीं पे जो है सो मतलब दिख जाता है, ठीक है ना, कहीं कहीं पे क्या दिख जाता है, एल्गी दिख जाता है, जैसे मोस्ट जनरली जो है सो मतलब क्या होता है, मॉइस्ट सॉइल यानी कि गीला जो है सो मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है, मॉइस्ट स्टोन हो गया, भींगा हुआ जो है सो मतलब लकड़ी का टुकड़ा हो गया, ठीक है। तो हम इस चीज़ को लिख लेते हैं, कुछ कुछ इसका अनयूजुअल हैबिटेट भी है, ठीक है, अनयूजुअल हैबिटेट, अनयूजुअल हैबिटेट, अनयूजुअल हैबिटेट जैसे मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल हो गया, ठीक है, इसके बाद मॉइस्ट स्टोन यानी कि भींगा हुआ पत्थर हो गया, ठीक है, उसके बाद जैसे क्या बोलते हैं, भींगा हुआ लकड़ी का टुकड़ा हो गया, मॉइस्ट वुड, ठीक है ना, यानी कि छोटा जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उस पर भी पाया जाता है, ठीक है। कभी कभी जो है सो मतलब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के भी रहता है, जैसे लाइकेन, ठीक है ना, लाइकेन, लाइकेन के फॉर्म में भी क्या होता है, एल्गी और लाइकेन क्या है, एल्गी और फंजाई का क्या है, एसोसिएशन है, लाइकेन क्या है, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, लिख लो, एल्गी प्लस फंजाई का क्या है, ये एसोसिएशन है, ठीक है। और इसको, इस तरह के एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी ये कुछ जानवरों के शरीर पे भी मिल जाता है देखने के लिए, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये कुछ जानवरों के शरीर पे भी मिल जाता है, हमारी एनसीईआरटी लिखती है ऑन एनिमल, ऑन एनिमल्स, ठीक है, ऑन एनिमल्स, और कौन सा एनिमल्स, स्लोथ बियर, स्लोथ बियर, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो हमारा निचला, सबसे निचला टॉप लाइन है उसमें तुम देखना, ठीक है, कि ये जनरली कुछ कुछ इसका क्या है, अनयूजुअल हैबिटेट भी है, इसका कुछ कुछ अनयूजुअल हैबिटेट भी है, ठीक है, जैसे कि मॉइस्ट सॉइल में भी पाया जाता है, मॉइस्ट स्टोन में पाया जाता है, ठीक है, मॉइस्ट वुड यानी कि भींगा हुआ लकड़ी के टुकड़े पे भी पाया जाता है, ये लाइकेन के फॉर्म में पाया जाता है, लाइकेन क्या है, अलगी और फंगी का क्या है, एसोसिएशन है, और इस तरह के एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसे कहते हैं, जिसमें दोनों को फायदा हो, जैसे अलगी और लाइकेन आपस में मिलकर के एक एसोसिएशन बनाया, क्यों, क्योंकि अलगी को भी फायदा हो और फंजाई को भी फायदा हो, ठीक है, इस तरह के एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें दोनों को फायदा हो, ठीक है। और अगला है ऑन एनिमल, यानी कि ये एनिमल के शरीर पे भी पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, स्लोथ बियर, ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी का लिखा हुआ लाइन है,
तो इसलिए इसको हम लोगों को इग्नोर नहीं करना है, इसको पूरी तरह से कवर अप करते चलना है हम आराम आराम से, ठीक है, आराम आराम से जो है इसको लिखते चलेंगे और समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, एकदम स्मूथ तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। भले ही एक घंटा के बदला में 1.5 घंटा लग जाए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट हो गया था, ओके, चलो। तो हमने लगभग लगभग जो है सो हैबिटेट के बारे में, हम एल्गी के हैबिटेट के बारे में पढ़ लिया। हमने क्या बताया हैबिटेट के बारे में, हमने ये बताया, ठीक है, हमने ये बताया कि एल्गी जो है सो मतलब क्या होता है, एल्गी मेनली एक्वेटिक होता है, मेनली एक्वेटिक होता है, तीनों तरह के पानी में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, उसके बाद मरीन वाटर में भी पाया जाता है और ब्रैकिश वाटर में भी पाया जाता है। हमने फ्रेश वाटर दो तरह का बताया, एक होता है फ्लोइंग वाटर, एक होता है स्टेगनेंट वाटर, ठीक है ना। जो पानी अगर मान के चलो फ्लो करता है, हमेशा बहता हुआ रहता है, उसे हम फ्लोइंग वाटर कहते हैं। स्टेगनेंट वाटर जो ठहरा हुआ पानी रहता है, उसे स्टेगनेंट वाटर कहते हैं। ब्रैकिश वाटर हमने बता चुका है कि जो मरीन वाटर और फ्रेश वाटर अगर आपस में उसको हम मिला देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रैकिश वाटर कहते हैं। उसके बाद हमने बताया कि जो अलगी का कुछ कुछ क्या होता है, अनयूजुअल हैबिटेट भी होता है, ठीक है। अलगी का कुछ कुछ अनयूजुअल हैबिटेट भी होता है, जैसे मान के चलो मॉइस्ट सॉइल होता है, ठीक है, गीली मिट्टी होती है, मॉइस्ट स्टोन गीला पत्थर होता है, ठीक है, मॉइस्ट पीस ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का जो है सो मतलब भींगा हुआ टुकड़ा होता है, उस पर भी क्या होता है, अलगी का ग्रोथ होता है। ये सब क्या है, अनयूजुअल हैबिटेट है, जनरली रेयरली इस जगह पर भी ये पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कभी कभी क्या होता है, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना करके भी रहते हैं, जिसका एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, तो अलगी और फंजाई का क्या होता है, एसोसिएशन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी कहती है ये कभी कभी क्या होता है, तो कुछ कुछ एनिमल्स के ऊपर में भी पाया जाता है। एनसीईआरटी का सबसे निचला लाइन कहता है कि ये कभी कभी क्या होता है, तो ऑन एनिमल्स, और एनिमल्स में कौन सा, स्लोथ बियर, ठीक है। स्लोथ बियर क्या है, एक एनिमल्स है जिसके ऊपर में क्या होता है, तो एल्गी ग्रोथ करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लिखो स्ट्रक्चर, हैबिटेट हमने लगभग लगभग क्लियर कर लिया है अच्छे से। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसका एल्गी जो होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सिंपल होता है, क्या होता है, सिंपल होता है, सिंपल थैलोइड होता है, कैसा होता है, थैलोइड। थैलोइड किसे कहते हैं, थैलोइड किसे कहते हैं, तो तुमने देखा होगा जनरली जो प्लांट होता है, ठीक है, ये मान के चलो प्लांट है, ऐसे ही प्लांट होता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ प्लांट होता है, मुझे उतना अच्छा से बनाने नहीं आता है, ठीक है। तो ये उसका जो है सो जनरली क्या होता है, तो ऊपर वाला पोर्शन हो जाता है जिसमें रूट, सॉरी लीफ, लीव्स, स्टेम, ठीक है, पाया जाता है, और नीचे में क्या पाया जाता है, रूट पाया जाता है। तो ये सब हमें, हम देख करके किसी प्लांट को बता सकते हैं कि रूट है, ये स्टेम है, ये लीव्स है, समझ में आया, ये रूट है, ये स्टेम है और ये लीव्स है। लेकिन अगर जिसका बॉडी थैलोइड होगा उसमें रूट, स्टेम और लीव्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगा, यानी कि हम देख करके नहीं कह सकते हैं कि इसमें ये रूट है, ये स्टेम है और ये लीव्स है, ठीक है। यानी कि इसको लिखेंगे हम, इट मींस रूट, स्टेम एंड लीव्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड, रूट स्टेम एंड लीव्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड। थैलोइड का मतलब क्या होता है कि इसका जो रूट, स्टेम और लीव्स है, इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तुम आँखों से तुमको दिखेगा ही नहीं कि रूट है या स्टेम है, ये लीव्स है, समझ में आ गया। अगली बात, दूसरी बात ये क्या होती है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल
प्रेजेंट है। अब क्लोरोफिल अगर जब ये प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा, यानी कि ये अपना भोजन क्या करेगा, खुद बना लेगा। ये क्या हो जाएगा, अपना भोजन खुद बना लेगा। और ऑटोट्रॉफिक होगा तो ये भोजन कैसे बनाएगा, फोटोसिंथेसिस से। किससे, फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस से। कोई दिक्कत, क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा। और ऑटोट्रॉफिक होगा तो यानी कि इसका ये अपना भोजन क्या होता है, तो खुद बना लेता है। और खुद कैसे बना लेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये तो हो गया हमारा जनरली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि हम देख करके हम इतना बता दिए। अच्छा, इसका जो मतलब स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, सिंपल है, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे इंसान के शरीर में देखो, मुंह है, नाक है, कान है, खाना को पचाने के लिए जो है सो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है, सेंस करने के लिए नर्वस सिस्टम है, ठीक है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए क्या है, केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, है ना। पूरे बॉडी को जो है सो मतलब ढांचा में बना करके रखने के लिए जो है सो मतलब तुम्हारा स्केलेटल सिस्टम है कि नहीं है। यानी कि हमारा जो इंसान का शरीर है वो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स है। लेकिन एल्गी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। क्या है, सिंपल है। सबसे पहले तो ये थैलॉइड बॉडी होता है इसका। कैसा बॉडी होता है, थैलॉइड बॉडी। और थैलॉइड बॉडी का मतलब होता है रूट, स्टेम और लीव्स जो होगा वो डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, ठीक है। रूट, स्टेम और लीव्स जो होगा वो डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, ठीक है। अगला बात है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी कि अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो यानी कि ऑटोट्रॉफिक होगा। ऑटोट्रॉफिक होगा तो अपना भोजन खुद बना लेगा। कैसे बना लेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा सा ये कौन सा स्ट्रक्चर था इसका, ये जनरली जो है सो मतलब इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। कौन सा स्ट्रक्चर था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, तो इसका सेल का डिटेल देख लेंगे। क्या देख लेंगे, सेल का डिटेल देख लेंगे, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट से, मिटा देते हैं, ठीक है। सेल का डिटेल देखने से पहले हम कुछ तुम लोगों को एक और चीज़ बता देते हैं। जो एल्गी होता है, ठीक है, ये अपने फॉर्म और साइज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। अपने फॉर्म और साइज को लेकर के क्या होता है, वेरी करता है। समझ में आया, वेरी करने का मतलब ये होता है कि एल्गी का बहुत सारा क्या होता है, तो फॉर्म होता है, और बहुत सारा क्या होता है, तो साइज होता है, ठीक है। तो इसको मिटा करके लिख देते हैं ये चीज़। लिखेंगे एल्गी वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म एंड साइज। यानी कि अपने साइज और फॉर्म को लेकर के क्या होता है, तो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। यानी कि अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, और इसका अलग अलग क्या होता है, तो साइज पाया जाता है, ठीक है। अलग देखो, जो एल्गी होता है ये जनरली यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, यानी कि बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा, दोनों होगा, ये यूनिसेलुलर भी होगा और मल्टीसेलुलर भी होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कभी कभी जो है मतलब तुमको स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन में आ सकता है कि जो एल्गी होता है ओनली यूनिसेलुलर होता है, ओनली मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। तो इस तरह के स्टेटमेंट में तुम लोग जो है सो फंस जाओगे। तो ध्यान रखना, जो एल्गी होता है वो यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी दोनों होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, जनरली हम क्या करते हैं, इसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है। उसके हम फॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके फॉर्म के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत,
पहला है जैसे फिलामेंट, क्या है फिलामेंटस, क्या है फिलामेंटस, पहला फिलामेंटस। इसका हम फॉर्म पढ़ रहे हैं, किसका फॉर्म पढ़ रहे हैं, एल्गी का फॉर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर्म ऑफ एल्गी, फॉर्म ऑफ एल्गी फिलामेंटस, ठीक है। फिलामेंटस क्या होता है, फिलामेंटस होता है एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस होता है एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है ना। तो इसका फॉर्म कैसा होगा, फिलामेंटस। अब जो ये फिलामेंटस होता है ये जनरली दो तरह का होता है, कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक तो होता है इसमें यानी कि एक ही फिलामेंट से कई सारा क्या होता है, ब्रांच निकला हुआ रहता है, एक ही फिलामेंट से क्या होता है, कई सारा ब्रांच निकला होता है, तो इसे हम कहते हैं ब्रांच्ड, क्या बोलते हैं ब्रांच्ड। यानी कि ये कौन सा फॉर्म है, ब्रांच फिलामेंटस है, कौन सा फॉर्म है, ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म है, ठीक है। और जो इस तरह का रहता है इसे हम क्या कहते हैं, अनब्रांच कहते हैं, जिसका कोई भी ब्रांच जनरली ना हो, कोई दिक्कत, इसे हम क्या कहते हैं, अनब्रांच बोलते हैं, अन ब्रांच, इसे हम क्या कहते हैं, अनब्रांच्ड बोलते हैं, ठीक है। जिसमें ब्रांच पाया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, ब्रांच्ड बोलते हैं, और जिसमें ब्रांच नहीं पाया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, अनब्रांच कहते हैं, ठीक है। अगला है कॉलोनियल, कुछ कुछ जो एल्गी होता है वो कॉलोनियल फॉर्म में भी रहता है, इसको डायग्राम सहित याद रखना, ठीक है ना, बाद बाकी क्योंकि यही सब चीज़ है जो आप बाद में रिवाइज करने में हमको हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरा है कॉलोनियल, क्या है कॉलोनियल, कॉलोनियल, कॉलोनियल में क्या होता है, कॉलोनी, कॉलोनी का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे लोग एक जगह पे रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। जब बहुत सारे लोग एक जगह पर रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। उसी तरह से अगर बहुत सारे जो है मतलब एल्गी अगर एक जगह पर इकट्ठा होकर के रहेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। उसके बाद जो है मतलब कुछ कुछ जो है पैरेन्काइमेटस थैलस भी इसमें होता है, पैरेन्काइमेटस थैलस भी होता है, यानी कि पैरेन्काइमेटस थैलस क्या होता है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस थैलस, पैरेन्काइमेटस थैलस, पैरेन्काइमेटस थैलस क्या होता है, तो बहुत सारा जो है मतलब अलग ऐसे ऐसे निकलता रहेगा और वो क्या करेगा, ब्रांच बना लेगा, क्या करेगा, ब्रांच बना लेगा, ठीक है। और ब्रांच बनाते बनाते क्या होता है, तो बहुत बड़ा बड़ा बन जाता है, क्या हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा ये बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, पैरेन्काइमेटस थैलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे पैरेन्काइमेटस थैलस बोलते हैं। ये तीनों फॉर्म समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाद बाकी इसका जो साइज होता है, ठीक है, इसका जो साइज होता है वो भी जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा वैरी करता है, समझ में आया, यानी कि सेम साइज हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, सेम साइज। ये तीन फॉर्म की समझ में आ गया ना, फिलामेंटस एल्गी, कॉलोनियल एल्गी और पैरेन्काइमेटस एल्गी। हम कुछ कुछ इसके एग्जांपल भी बताएंगे, लेकिन अभी इसका एग्जांपल नहीं बताएंगे, अगर अभी एग्जांपल बता दिए तो तुमको पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ में आया ना, अगर अभी एग्जांपल बता दिए तो तुमको पल्ले नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ा रहे हैं, हमें इतना पता है कि तुमको कैसे कैसे पढ़ाएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा, समझ में आ गया। बाद बाकी तुम अपना जो है मतलब क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे जा कर के लगा सकते हैं और सारे क्वेश्चन तुमसे बनेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा एनसीईआरटी का लाइन नहीं होगा जो हम पढ़ाएंगे और वो छूट जाएगा, अगर ऐसा है तो वो लाइन खींच करके हमको तुम भेजना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, साइज पढ़ लेते हैं, किसका, एल्गी का। साइज ऑफ एल्गी, साइज ऑफ एल्गी, देखो जो एल्गी का साइज होता है
वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर, माइक्रोस्कोपिक मतलब इतना छोटा जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, इतना छोटा जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे। माइक्रोस्कोपिक से लेकर और 100 मीटर लॉन्ग, इसीलिए हमने क्या बताया था, इसका फॉर्म और साइज़ क्या करता है तो अलग अलग तरह से वेरी करता है। समझ में आ गया कि माइक्रोस्कोपिक से लेकर के और 100 मीटर लंबा भी क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, जनरली माइक्रोस्कोपिक कौन सा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है क्लैडोमोनास। माइक्रोस्कोपिक कौन सा होता है, क्लैमेडोमोनास, जो हमें आँखों से नहीं दिखता, बहुत छोटा एल्गी होता है, क्लैमेडोमोनास। ठीक है, और 100 मीटर क्या होता है, तो 100 मीटर होता है ब्राउन एल्गी। ठीक है, क्या होता है, ब्राउन एल्गी। 100 मीटर लॉन्ग क्या होता है, ब्राउन एल्गी। ठीक है, कोई दिक्कत। जो माइक्रोस्कोपिक होता है वो क्या होता है, क्लैमेडोमोनास, और जो 100 मीटर लॉन्ग होता है वो होता है ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो साइज पता चल गया, एल्गी का जो साइज होता है, कभी ये नहीं बोलोगे कि एल्गी का एक साइज होता है, कभी नहीं। एल्गी माइक्रोस्कोपिक से लेकर एक छोटा से होकर के और 100 मीटर लंबा भी हो सकता है। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब जनरली हम एल्गी का जो फॉर्म होता है उसके हम, ये तो हम बता दिए थे, कुछ कुछ जो है ऐसा मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर एल्गी होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर, एक सेल का होता है, कुछ कुछ फिलामेंटस होता है, कॉलोनियल होता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा जो है मतलब एग्जांपल भी हम लोग इसका याद कर लेते हैं और लिख लो एक साइड में, कोने में, क्योंकि ज़्यादातर एग्जांपल ही इस चैप्टर से क्या है, इम्पोर्टेंट है। बाद बाकी जो टॉपिक है वो तो एक कॉन्सेप्ट है, जो तुमको समझ जाओगे तो काम चल जाएगा। समझ में आया, तो यूनिसेलुलर एल्गी कौन है, यूनिसेलुलर एल्गी, ये लिख लो कहीं पे। यूनिसेलुलर एल्गी क्या है, क्लैमेडोमोनास और क्लोरेला, ये क्या है, सिंगल सेल एल्गी है, ये क्या है, सिंगल सेल एल्गी है, कोई दिक्कत। अब है कॉलोनियल कौन सा होता है, कॉलोनियल यानी कि कॉलोनी बना के कौन सा रहता है, कॉलोनियल। ठीक है, कॉलोनियल क्या होता है, वॉलवॉक्स। ठीक है, ये तुमको जो है मतलब पूछ सकता है ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी लाई इन द कॉलोनियल फॉर्म। ठीक है ना, उसमें एग्जाम्पल में तुमको ऐसे दे देगा, क्लैमेडोमोनास दे देगा, क्लोरेला दे देगा, ठीक है, कुछ हो दे देगा, साथ में वॉलवॉक्स भी दे देगा, तो कॉलोनियल फॉर्म में कौन रहता है, वॉलवॉक्स। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब है कुछ कुछ जो है सब फिलामेंटस एल्गी है, क्या है, फिलामेंटस एल्गी है। ठीक है, तो फिलामेंटस एल्गी कौन सा होता है, फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस कौन सा होता है, यूलोथ्रिक्स एंड एस्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड एस्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड एस्पायरोगायरा। ठीक है, उसके बाद जो है सब ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी भी होता है। समझ में आया ना जी, फिलामेंटस फॉर्म में ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी भी होता है, ब्राउन एंड रेड एल्गी, ब्राउन और रेड एल्गी भी होता है, किस फॉर्म में, फिलामेंटस फॉर्म में। कोई दिक्कत, नोट करो फटाफट से। हमें सेल डिटेल पढ़ने से पहले इतना बताना हमको लगा कि ज़रूरी है तुम्हारे लिए। समझ में आ गया, सेल का डिटेल पढ़ने से पहले इतना पढ़ना क्या है तुम्हारे लिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया नजे, नोट हो गया सारा चीज़। yes, तो हम लोग सेल का डिटेल पढ़ लेते हैं, इसको मिटा दें। चलो, हम लोग एल्गी के सेल डिटेल पढ़ने वाले हैं, यानी कि एल्गी का सेल का स्ट्रक्चर बना करके हम लोग देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर
कैसा होता है इसका, ठीक है। तो सभी को इतना तो पता है कि एल्गी का जो सेल हो कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि जिस सेल के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। जिसके पास क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। कोई दिक्कत? जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल होते हैं। अब जनरली हम क्या करेंगे, यूकैरियोटिक सेल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेल वॉल के बाद वो किस तरह का जो है मतलब पिगमेंट स्टोर करके रखता है, ठीक है, उसके पास फ्लैजिला है कि नहीं है, ठीक है, उसके फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसके पिगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसके स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरेज का मतलब होता है फूड स्टोरेज, कि वो अब जैसे हम लोग भी अपने बॉडी में जो है सो मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है सो फूड को स्टोर करके रखते हैं, उसी तरह से ये एल्गी भी क्या करता है, तो अपने बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। समझ में आ गया? एल्गी भी अपने बॉडी में ग्लूकोज को क्या करता है? स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, तो एक सेल ऐसे बना लेते हैं, ये मान लो किसका सेल है, ये एल्गी का सेल है। किसका सेल है? एल्गी का। देखो ध्यान दो, अब तुम बोलोगे कि सर आप इतना ही सेल का डिटेल ही पढ़ने जा रहे हैं, तो सेल वॉल, फ्लैजिला, पिगमेंट, स्टोरेज, आप चार चीज़ के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं? आप उसके न्यूक्लियस के, देखो जो इसका न्यूक्लियस होगा वो सभी में क्या होगा? कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन होगा। जितने भी एल्गी हैं सभी में उसका न्यूक्लियस क्या होगा? कॉमन होगा। इसीलिए हम उसके न्यूक्लियस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हाँ डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, उसका सेल वॉल वेरी करेगा, डिफरेंट हो जाएगा, उसका फ्लैजिला डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, उसका पिगमेंट डिफरेंट हो जाएगा, और उसका स्टोरेज क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं सेल में, ये तो सबको पता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो बाहर वाला पोर्शन है ये इसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। और इस दोनों के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में क्या पाए जाएंगे? सेलुलोज का थ्रेड्स पाया जाएगा, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में क्या पाया जाएगा? सेलुलोज का थ्रेड्स पाया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? और इसमें जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल के साइड में क्या होगा? कुछ कुछ केमिकल का डिपोजिशन होगा। क्यों होगा केमिकल का डिपोजिशन? क्योंकि सभी को पता है कि एल्गी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। एल्गी को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, यानी कि जब तक उसके पास पानी नहीं रहेगा तब तक जो है सो मतलब क्या होगा? वो जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, तो किसी जगह पर वाटर लेवल नीचे आ जाता है और एल्गी ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो उसको ज़िंदा रखने के लिए पानी होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये अपने सेल वॉल के बाहर में क्या करता है, तो कुछ कुछ ऐसा केमिकल होता है जिसे वो रिलीज कर देता है। क्या करता है? रिलीज कर देता है, जो कि पानी को होल्ड करने के काम आता है। क्या होता है? पानी को होल्ड करने के काम आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख लेंगे एक लाइन, केमिकल डिपॉजिट कहाँ पे? आउटसाइड सरफेस पे। अब क्यों आउटसाइड सरफेस पे होगा, ठीक है, क्योंकि पानी को होल्ड करने का काम करता है। समझ में आ गया? जैसे ग्रीन एल्गी, ठीक है, जो ग्रीन एल्गी होता है,
वो क्या कौन सा केमिकल रखता है अपने बॉडी के बाहर में? पेक्टिन। कौन सा? पेक्टिन। कौन सा? पेक्टिन, ठीक है ना। ये पेक्टिन जो केमिकल है ये क्या करता है, तो उसके सरफेस को सूखने नहीं देता है, डेसिकेशन से बचाता है। समझ में आ गया। उसके बाद है ब्राउन एल्गी, ठीक है। जो ब्राउन एल्गी होता है उसमें क्या पाया जाता है? एल्जीन। क्या पाया जाता है? एल्जीन, ठीक है। और जो रेड एल्गी होता है, रेड एल्गी में क्या पाया जाता है? कारा जीन। कारा जीन, समझ में आ गया। जो रेड एल्गी होता है उसमें क्या पाया जाता है? कारा जीन पाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, तो हमारा जो है मतलब समय समाप्त होता है, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो इसके आगे फ्लैजला का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब इससे जो अगला क्लास होगा हमारा क्या होगा? फ्लैजला के ऊपर डिस्कशन होगा।